और महिमा ग्रुप की तरफ से ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और वैशाली, आप स्टूडियो में आई और इतने सारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए शुक्रिया। भारतीय रियल एस्टेट बाजार में अपनी धाक जमाने के बाद अब कई रियल एस्टेट कंपनियां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम रख रही हैं। सुपरटेक, ओमैक्स, बेस्टेक और 3C कंपनी जैसी ये कंपनियां 14% की दर से बढ़ रहे इस सेक्टर का पूरा फायदा उठाना चाहती हैं और इसके लिए वो दुनिया भर की नामी गिरामी कंपनियों के साथ हाथ मिला रही हैं। भारतीय रियल एस्टेट अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम रख रहा है। सुपरटेक, लिमेरिडियन ब्रांड के स्टारवुड होटल्स एंड रिसॉर्ट्स और JW मैरियट के साथ अपने 80 मंजिला सुपरनोवा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में होटलों और लीला ग्रुप के साथ गुड़गांव की एक प्रॉपर्टी के लिए तालमेल कर रहा है। जब हम कोई भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट करते हैं, कोई टाउनशिप बनाते हैं, कोई मिक्स यूज डेवलपमेंट करते हैं, कोई जो है एक कॉमर्शियल मॉल बनाते हैं, तो उसके अंदर कुछ एक्यूरेट की प्लानिंग इस हिसाब से हो जाती है कि हम लोग उसके अंदर एक होटल भी डिमांड के हिसाब से निकाल लेते हैं। उसका एक एडेड एडवांटेज ये रहता है कि जब हम किसी भी अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर या किसी ऐसी टाउनशिप के अंदर होटल लाते हैं, तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू है, रियल एस्टेट वैल्यू जो हमारी है, हमारे बायर्स की रियल एस्टेट वैल्यू, उससे काफी एनहांस हो जाती है। हाल में कनाडा के होटल ग्रुप फोर सीजन्स और रियल एस्टेट कंपनी 3C के बीच नोएडा में उसके प्रोजेक्ट दिल्ली 1 वाले 5-स्टार होटल के लिए समझौता हुआ। 180 ब्रांडेड घर भी बनेंगे। बैंगलुरु स्थित कंपनी नितेश स्टेट्स ने शहर में पिछले साल 277 कमरों का अपना पहला रिट्ज़ कार्ल्टन 5-स्टार लग्जरी होटल खोला। कार्लसन रेजिडोर ने कम से कम 5 रियल एस्टेट कंपनियों के साथ करार किया है और 72 होटलों में से कम 15 रियल एस्टेट कंपनियों के साथ बना रही है। एम्बेसी ग्रुप ने इसी साल हिल्टन वर्ल्ड वाइड ब्रांड के साथ मिलकर हिल्टन बैंगलोर एम्बेसी गोल्फ लिंक्स लॉन्च किया। इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप और रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ में 150 कमरों का होटल खोल रहा है। बेहतर कारोबार और ग्राहकों की मांग की वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स हॉस्पिटैलिटी स्पेस में गठबंधन कर रहे हैं। आज के इतने सारे डेवलपर्स होटल्स प्लान कर रहे हैं अपने मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट में और वो होटल से टाई अप कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट ब्रांड्स के साथ टाइप कर रहे हैं। वो क्यों करना पड़ता है? बिकॉज उनको एक टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, पहला रीजन। और दूसरा है कि एक काफी अच्छा ब्रांड नेम उनके साथ जुड़ता है, तो वो उस डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है और डेवलपर के लिए भी अच्छा है। कार्लसन रेजिडोर जैसे ग्लोबल होटल ब्रांड्स जिनका भारत में 30-40% कारोबार रियल एस्टेट कंपनियों के साथ है, उन्हें लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की साझेदारियां बढ़ेंगी। अपना एसेट जो है इनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है एकदम। ये प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसको मेंटेन करवाते हैं और रियल एस्टेट अपने पास रहता है और सही टाइम पे ये इनके पास ऑप्शन है टू ट्रेड दैट एंड गेट द रियल एसेट वैल्यू जो चाहिए उनको, वो उस टाइम उनको मिल जाती है। और इसी वजह से काफी बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं, वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आ रहे हैं। सुपरटेक ने होटल्स का अपना हाइफन ब्रांड शुरू किया है। 250 कमरे वाले हाइफन होटल्स नोएडा, मेरठ और हरिद्वार में चालू हैं और चौथा जयपुर में बन रहा है। सुपरटेक और कार्लसन रेजिडोर के 2 होटल प्रोजेक्ट चालू हैं, रुद्रपुर में डायसन ब्लू और मेरठ में कंट्री इंडियन सूट्स। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम हर एक आम हिंदुस्तानी जो चाहे व्यक्तिगत रूप से ट्रेवल कर रहा है या किसी बिजनेस पर्पज से ट्रेवल कर रहा है, उसको एक रीजनेबल कॉस्ट पे बहुत अच्छी अकोमोडेशन अच्छे ब्रांड के तले दे सके, वो हाइफन के अंदर हम लोग अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ साल में डेवलपर्स हॉस्पिटैलिटी के मैदान में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। DLF, यूनिटेक, BPTP और पार्शनाथ जैसी कंपनियां सभी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अंदाजा है कि देश में अभी होटलों के 1,00,000 और कमरों की जरूरत है, इसलिए इस क्षेत्र में सही वक्त पर खिला दांव किस्मत खोल सकता है। नई दिल्ली से ओनितम ओझा, NDTV।
अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप property@ndtv.com पर ईमेल कीजिए, या फिर चाहे तो हमें SMS भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लिखिए स्पेस दीजिए और अपना सवाल हमें 56388 पर भेज दीजिए। आपके जितने भी सवाल हैं उनकी पूरी रिसर्च हम करते हैं। याद रखिए, कोई भी फैसला अगर करेंगे तो उससे पहले हमसे सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।